हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रेसिपी जो आसान है बनाने में और स्वादिष्ट है खाने में। तो क्या आप सभी को नूडल्स खाना पसंद है? मुझे कमेंट में बताना। लेकिन आप सोचते हैं वो अनहेल्दी होते हैं, वजन बढ़ता है उससे। तो अगर आप भी ये सोच के नूडल्स नहीं खा पाते तो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ आटे के नूडल्स की रेसिपी जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए फिर से बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए चाहिए 1 कप गेहूँ का आटा, आधा चम्मच नमक। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। उसमें फिर धीरे धीरे करके पानी डालिए और एक आटा गूंद कर रेडी कर लीजिए। तो जिस तरह हम चपाती का आटा गूंदते हैं ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा सॉफ्ट, तो उसी तरह का आप आटा गूंद के रेडी कर लीजिए। पानी को धीरे धीरे करके डालना। तो लीजिए आटा गूंद के मैंने रेडी कर लिया है, इसे 2 मिनट तक हम और गूंद लेंगे। तो ये हमारा आटा रेडी हो चुका है, इसे ढककर 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुकी है, आटे को चेक कर लेते हैं। इसे 2 मिनट तक और मसल लेते हैं। अब हम इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इस तरह से पेड़े बना देंगे। तो अब हम इन्हें बेलेंगे। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने आटा फैला दिया है और पेड़े को आटे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। इसे आप अपने पसंद की कोई भी शेप में बेल सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा थोड़ा पतला बेलना है, मोटा मत बेल देना वरना नूडल्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से अपनी पसंद की कोई भी शेप में इसे पतला, थोड़ा सा पतला बेल लीजिए और इस तरह से लंबा लंबा कट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से नूडल्स कट गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो एक पैन में 2-3 ग्लास इसके बराबर पानी डालिए और 1 चम्मच तेल। पानी को अच्छे से उबलने दीजिए। तो ये लीजिए पानी हमारा अच्छे से उबल चुका है, अब इसमें हम नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स के चिपकने का कोई डर नहीं होता, ये पानी में जाके अलग हो जाते हैं, तो इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। तो हम कांटे की मदद से इनको इस तरह से पानी में अच्छी तरह फैला देंगे। अब हम इन लगभग 5-6 मिनट तक इन्हें बॉईल कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। तो ये लीजिए 6-7 मिनट हो चुके हैं और हमारे नूडल्स भी अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुके हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम नूडल्स को एक नॉर्मल पानी में ट्रांसफर कर लेंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे पानी के अंदर। 2 मिनट के बाद हम इन्हें छान लेंगे पानी को। तो ये लीजिए मैंने इसे छान लिया है छन्नी में। अब हम इन्हें एक तरफ रख देंगे और एक कढ़ाई में 3-4 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे 1 कपारी कटी हुई हरी मिर्च और 1 लंबा कटा हुआ प्याज पतला। प्याज और हरी मिर्च को 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर सोटे कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च। नूडल्स में जो भी सब्जियां डलती है वो सब डाल दी मैंने। अब सब्जियों को भी हम 4-5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। सब्जियों को ओवर कुक नहीं करेंगे, इसे थोड़ा क्रंची ही रहने देंगे, इसे नूडल्स का टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। तो सब्जियां भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लेंगे सब्जियों में। अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे जो भी नूडल्स में डलती है, जैसे 1 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 1 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 चम्मच टोमेटो केचप। सॉसेस को भी सब्जियों में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे बॉयल किए हुए नूडल्स और नूडल्स और सब्जियों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से इस तरह से मिलाते जाएंगे। तो हमारे नूडल्स बनके रेडी हो चुके हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये लीजिए हमारे हेल्दी से, झटपट से, टेस्टी से आटे के नूडल्स बनके रेडी हो चुके हैं। अगर आपको नूडल्स खाना पसंद है लेकिन आप हेल्दी नूडल्स खाना चाहते हो तो आप इसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।